गुड इवनिंग गाइस, मतलब गुड इवनिंग मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी शाम के बज चुके हैं 6:15 और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने मतलब पानी से अब तक अपना फेस को वॉश नहीं किया है, और मैंने जो आप लोग से कल वीडियो शेयर किया था उसमें जो 5 नंबर वाला हैक था जो सबको बहुत पसंद आया, पाउडर वाला, वैसे आप लोग को तो मज़ा आया, मज़ा मुझे भी आया, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे ना वो एकदम, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो सर दर्द, स्किन मेरा इतना ड्राई हो गया, इतना रफ हो गया उस समय के बाद से कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा रफ हो गया। इसलिए मैंने स्क्रब भी किया लेकिन फिर भी ये ड्राई लग रहा है वो। होप सो ठीक हो जाए कल तक में। तो मैं अभी आप लोगों के साथ इवनिंग ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं उठ गई हूँ, मैं पानी गर्म कर रही हूँ। उठते के साथ ना मेरा गला लगता है सूख जाएगा, तो मैं एक ग्लास पानी पीऊँगी, ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी पीऊँगी मैं। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जनाब जो है वो रोटी खा के भाग जाते हैं लेकिन इसे फंसते नहीं हैं। अभी रोटी लगा हुआ है, बहुत ही सातिर चूहा आया है इस बार मेरे यहाँ, मतलब छोटा सा है। मैं बेड पे बैठी थी और वो बेड पे आ गया, बताइए, बिल्कुल डर नाम की चीज़ नहीं है आजकल दुनिया में। और मुझे आप लोग एक चीज़ बतानी है कि मैं जब सो के उठी, मैं बैठी पे थी, मोबाइल चेक करने का आदत है यूट्यूब वगैरह, तो जैसे मैं यूट्यूब खोली उसमें ये वाला स्क्रीन रिकॉर्ड आ रहा था, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा था। मैं डर गई भाई कि मेरा जो है वो यूट्यूब किसी ने हैक कर लिया क्या, क्योंकि मैं कल ही जो है किसी पॉपुलर यूट्यूबर का की स्टोरी सुन रही थी कि उनका भी किसी ने यूट्यूब जो है वो हैक कर लिया था, तो मैं काफ़ी डर गई। फिर मैंने अपने एक दो फ्रेंड से पूछा मैसेज से व्हाट्सएप से कि तुम्हारा भी हो रहा क्या, फिर उन्होंने भी वही बोला कि हाँ एरर आ रहा है, तब जाके मैं रिलैक्स हुई, नहीं तो मुझे लगा कि कौन भाई, किसी ने हैक कर लिया क्या, मतलब डर गई थी एकदम से। तो लगता है मेरी पानी गर्म हो गई है, तो मैं चलिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बातें करने में बिज़ी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी में कितनी ज़्यादा धुआँ निकल रही है, इसीलिए मैं इसे हाफ से भी कम जो है वो ग्लास में रहने दी, और इसमें मैं जो है ना ठंडा पानी मिलाऊँगी, इतना गर्म पीऊँगी मैं अगर तो पेट में ही आग लग जाएगा। आज के नाश्ते में आया था गर्मा गर्म समोसे एंड जलेबी, और मेरे मोहल्ले का समोसा, मैं क्या बोलूँ, मैं आज तक ऐसा टेस्टी समोसा मैं आज तक नहीं खाई हूँ, मतलब इतना टेस्टी, इतना क्रंची समोसा रहता है ना कि बाय, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो ये मैं 2 समोसा हमेशा खाती हूँ, लेकिन मैंने 1.5 समोसा लिया था, आधा फिर मैंने मम्मी को ट्रांसफ़र कर दिया था, और 1 जलेबी लिया था मैंने, और ये बहुत दिनों के बाद मैं खा रही हूँ, मैं बता देती हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद मैं समोसा का लुत्फ़ उठाने वाली हूँ। शाम की बज चुकी है 6:30, अभी तक हम लोगों ने चाय नहीं पी है, और मैं तो अपने लिए कॉफ़ी बनाने वाली हूँ, बाकी मम्मी पापा के लिए मैं चाय बनाऊँगी। तो फिलहाल नाश्ता आ चुका है, मतलब नाश्ता ऐसे पार्टिकुलर नहीं है कि नाश्ता करना ही है शाम में, तो आज कुछ खास नाश्ता था जो काफ़ी दिनों के बाद खाने को मिला है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ना कि नाश्ते में मैं क्या खा रही हूँ। ये रहे टेस्टी वाले समोसा जलेबी विद सॉस एंड सरसों की चटनी। और आप लोगों को मैंने एक व्लॉग में शायद बताया था कि नहीं बताया था कि मेरे मोहल्ले में जो समोसा मतलब समोसा बनाता है ये, मतलब इतना टेस्टी, लुक देखिए इसका, देख के आपको क्रंची लग रहा होगा, मतलब इतना, मतलब कटिहार में क्या, मतलब आज तक मैंने जो भी समोसा खाया है ना ये वाला समोसा बेस्ट है, मतलब ठंडा भी जाएगा ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा ये। ठंडा भी जाएगा ना तो भी ये बहुत यम्मी लगने वाला है ये। एक वीडियो नहीं आती है जिसमें एक लड़की बैठी रहती है दीप स्टिक लगा के, सिर्फ उसका यहाँ से, मतलब कि यहाँ से यहाँ का पोर्शन दिखता है, और खाने की प्लेट रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें, नॉन वेज वगैरह, मतलब वेज नॉन वेज मिक्स रहता है इतनी बड़ी थाली में, वो खाती है, और खाते हुए ही सिर्फ उसका वीडियो बनता है, वो बहुत पॉपुलर भी है,
तो वो खाना देख करके सब मुँह में पानी आ जाता है। तो मुझे अचानक से वो आइडिया सूझा, क्यों ना मैं कुछ मिनट के लिए वैसा वीडियो बनाने का ट्राई करती हूँ। तो सिर्फ आपको मेरा यहाँ इसके नीचे का दिखेगा पोर्शन और खाना दिखेगा, खाते हुए दिखेगा, देखिएगा। मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं पहले खा लेती हूँ, वीडियो बाद में बनाते रहेंगे। समोसा और जलेबी का लुत्फ उठाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने एक साइड दूध चढ़ाया है और एक साइड मैंने चाय चढ़ाया। तो चाय मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैं दो आदमी आदमी का चाय बनाऊँगी, मेरे मम्मी और पापा का। ये रहा कॉफ़ी, मैं 2-2 रुपया वाला ही कॉफ़ी ले आती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं पीती हूँ कॉफ़ी और कोई नहीं पीता है। अगर मैं ज़्यादा बड़ा डब्बा ले आऊँगा तो वो सूख जाएगा, तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। सबसे पहले मैं चाय बना करके दे दूँगी उनको। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दो ही आदमी का बना रही हूँ, और चीनी तो मैं कम ही देती हूँ, ये आप लोगों को पता है पहले। और यहाँ मैं इस थर्मस में गर्म पानी रख रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग पिछले 2.5 मंथ से हम लोग गर्म ही पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं। और अभी मत बोलना भी जाता है कि गर्म पानी ही पीने के लिए, कोरोना का टाइम है अभी। तो यहाँ पे अब मैं ये देखिए, ये बर्तन में खाली पानी ही गर्म होता है, इसके चलते क्या हो गया, पूरा वाइट वाइट ये बर्तन हो गया है, क्योंकि इसमें एनी टाइम जो ये बर्तन है ना, वो पानी गर्म करने के लिए ही है। अब मैं गैस दोबारा जला रही हूँ, अब मैं कॉफ़ी बनाऊँगी अपने लिए। ये जो आप थर्मस देख रहे हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और यहाँ पे ढक्कन में देखिए ये पिचका हुआ है ना, तो ये गिर गया था इसलिए ये पिचक गया है। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो गई है। तो यहाँ मेरा कप देखिए, कितना सुंदर कप है ना, तो ये कॉफ़ी मैंने डाल दिया। मेरा कॉफ़ी बनाने का तरीका कुछ अलग है, आप लोगों का कुछ अलग हो सकता है, मेरा यही तरीका कॉफ़ी बनाने का। बहुत तरसाने के बाद आज ये बदमाश फंसा है मेरे पिंजरे में। अगर इतना पता होता कि इसको वीडियो में आना है तो मैं 4 दिन पहले ही दिखा देती तुझे वीडियो में। इतना लेट क्यों लगा? मुंह अंदर कर। इसे हम लोग मारेंगे नहीं, इसे हम लोग बाहर फेंकेंगे। देखिए कितना छोटा सा है। आए ये लड़का, मुंह निकालता है बाहर। मम्मी हट हट, अभी तो फुर्ती है, अभी भी फंसा है, थोड़ा लेट ठोका ना तब सारा फुर्ती तुम्हारा निकलेगा। हाँ जी, तो आज डिनर में है आलू की भुजिया एंड सिंपल सिंपल गरम गरम रोटी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है आलू का भुजिया फ्राई करने के लिए। आज शाम में थोड़ी नाश्ता जो है वो हैवी हो गया था, इसीलिए आज सिंपल ही बनेगा। यहाँ मैंने जीरा डाल दिया इसमें, इसीलिए आज सिंपल ही डिनर बन रहा है। और सब्ज़ी वैसे भी घर में थी नहीं, तो क्योंकि 2 दिन से मछली चल रहा था, तो इसीलिए आज सिंपल ही डिनर है। तो मैं आज ये आलू का भुजिया बना लेती हूँ, इसलिए मैं डिनर की रेसिपी जो फुल मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल था ही नहीं इसीलिए। तो ठीक है, तो अब मैं डिनर का लुत्फ़ उठा लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ अभी कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिल सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। तो चलिए ठीक है, मैं अब चलती हूँ और मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।